हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं। यहां जिले के रेलवे स्टेशन पर एक और यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 23 दिन में रेलवे स्टेशन पर हार्ट अटैक के चलते मौत का यह चौथा मामला है। तो बदलते मौसम और बदली दिनचर्या एक बड़ी वजह बताई जा रही है। 23 दिनों में स्टेशन पर 7 लोगों को हार्ट अटैक आए। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के हृदय रोग अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले हृदय रोगियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अब युवाओं का दिल लगातार कमजोर हो रहा है और हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज से होने वाली मौतों में भी सबसे बड़ा आंकड़ा युवाओं का ही है। ग्वालियर में बीते दिनों हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से जो मौतें हुई हैं उनमें से 27% युवा यानी 25 से 45 आयु वर्ग के लोग थे। बीते 23 दिनों में हार्ट अटैक से 54 मरीजों की मौत हुई। पिछले कुछ सालों से अत्यधिक हम लोगों के पास जो मरीज आ रहे हैं उनकी 45 साल से कम उम्र है और उन्हें हार्ट अटैक अत्यधिक हो रहा है। अगर अपन इसके मुख्य कारण को समझें तो उसके मुख्य कारण ये है कि मोटापे का बढ़ना युवाओं में, दूसरा व्यायाम ना करना, तीसरा कम सोना। सोशल मीडिया की वजह से लोग रात तक एंगेज रहते हैं, सोते नहीं हैं और जल्दी उठ जाते हैं। खान पान में परिवर्तन होना, जिसमें कि तली हुई चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होना, देर रात में खाना खाना और पार्टी करना। स्मोकिंग इसमें मुख्य कारण है। तंबाकू का सेवन किसी भी कारण से, चाहे वो गुटखे के रूप में हो या स्मोकिंग के रूप में, ये कुछ कारण हैं जो युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ा रहे हैं।